एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। देखो, अभी आप लोगों ने इसको जैसे कि नोट्स से पढ़ते हो, आप बहुत तरीके से इसको पढ़ते हो, लेकिन आज हम सबसे डिफरेंट वे में पढ़ेंगे, हम सुनेंगे इसकी कहानी। तो ध्यान से देखो, जो इंडिया आप अभी देख रहे हो, जो इंडिपेंडेंस आप अभी देख रहे हो कि आप कहीं पर भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बन सकते हो, आपको हायर स्टडीज करनी है, बाहर जा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो इस टाइम के ऊपर। लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, उससे पहले बहुत ही खराब सिचुएशन थी हमारी। हमारे ऊपर जो रूल करा था ब्रिटिशर्स ने, वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल था। क्या क्या किया था वो आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूं। देखो, हुआ क्या था कि इंडिया जो था, बहुत टाइम पहले आपको पता है कि हमारे यहां पर जो राजा वगैरह रहते थे, ठीक है, राजा रहते थे कि मतलब उनका एक किंगडम होता था और उसके ऊपर वो राज करते थे, ठीक है। अब जैसे कि हमारी इंडिया की खास बात यह है कि अगर कोई भी बाहर से आते तो हम उसको रेस्पेक्ट देते हैं और उसको अच्छे से इज्जतदार तरीके से हम उसको रखते हैं, उसकी ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। ये हमारा कल्चर है और अभी भी हम ऐसा ही करते हैं। तो हुआ क्या कि इंडिया को देख करके, इंडिया के अंदर जैसे कि ब्रिटिशर्स ने देखा कि इंडिया कैसी अच्छी, पूरा बोल सकते हो कि कंट्रीज हैं इसमें, जहां पर कि उनको हर एक चीज मिलेगी। स्पाइसेस बहुत ही अच्छे थे हमारे पास में, ऑर्नामेंट्स बहुत अच्छे थे, हमारी जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हाथों की जो कल्चर था वो बहुत अच्छा था। जैसे कि हाथों से बनाए हुए कपड़े हमारे पास में थे, हाथों से बनाए हुए मॉन्यूमेंट्स थे, हाथों से बनाई हुई जितनी भी चीजें थी, हैंडीक्राफ्ट जो था वो इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट था, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट इंडिया के अंदर था, ठीक है। अब ये बात पता लगी ब्रिटिशर्स को, तो ब्रिटिशर्स ने क्या हुआ, वो आए अपनी कंपनी लेकर के इंडिया के अंदर, उन्होंने अपनी कंपनी स्टैब्लिश करी। देन फिर उसके बाद में पता है क्या हुआ, स्टैब्लिश करी एकदम से नहीं हुई थी स्टैब्लिश, इंडिया के अंदर जो राजा थे उनसे उन्होंने दोस्ती करी कि हम आपके साथ में ट्रेड करना चाहते हैं। इंडिया ने बोला कि चलो ठीक है, हम बाहर के लोगों को जानने को मिलेगा तो हम इनके साथ में ट्रेड कर लेते हैं। फिर उन्होंने उनके साथ में जब ट्रेड करा तो उनको पता लगा कि यार ये जो इंडियंस होते हैं ना, ये हर किसी के ऊपर आसानी से तो विश्वास कर लेते हैं और जो बाहर से आते हैं उसको ज्यादा इज्जत देते हैं। तो इनको फिर हजम नहीं हुआ, जैसे कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, तो वैसे इन ब्रिटिशर्स को भी ज़्यादा इज्जत हजम नहीं हुई। तो इन्होंने क्या करा, अपना कुत्ता पना स्टार्ट करा। इन्होंने कुत्ते पने में ये करा कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो कुत्ता होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तो इन्होंने भी अपने बारे में सोचा। इन्होंने सोचा कि हम यहाँ पर राज कैसे करेंगे इन इंडियंस के ऊपर। तो इन्होंने क्या करा, जैसे कि एक कोई एक राजा ए है और एक राजा बी है, अब क्या करेंगे कि ए राजा के पास में जाकर के बी राजा की बुराई करेंगे और बी के पास में जाकर के ए की बुराई करेंगे और दोनों को आपस में लड़वा देंगे। जब ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो फायदा किसको होगा, ये ब्रिटिशर्स को होगा। तो फिर ये जब दोनों आपस में लड़ते थे तो इनके बीच में एक तरीके से सुलह करवा करके, मतलब एक तरीके से इनको करवा करके आप मत लड़ो ये करो, तो बोलते थे कि हम राज कर लेते हैं, आप दोनों में से किसी का भी नहीं है। फिर ऐसे कर करके इन्होंने पूरा का पूरा अपने अंदर लेते गए और जैसे अपने अंडर में आने लग गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, यहां पर एंट्री होती है हमारे इंडियन लीजेंड्स की। अब उसमें सबसे बड़े जो लीजेंड थे वो थे महात्मा गांधी जी थे और एक तरीके से आप बोल सकते हो सुभाष चंद्र बोस थे और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि आप है ना, मतलब कईयों के तो नाम भी नहीं आए थे। इंडिया को आजाद करवाने के लिए जितने लोगों ने एक तरीके से बलिदान दिया है ना, वो कोई भी कंट्री में नहीं दिया गया था। इंडिया में सबसे बड़ा तो जो बलिदान है वो है महात्मा गांधी जी का, कि उन्होंने किस तरीके से लोगों को इंस्पायर करा था। उन्होंने बहुत तरीके के एक्ट चलाए थे, बहुत तरीके से लोगों को इंस्पायर करा था कि आपको इंडिपेंडेंस के बाद में क्या मिलेगा या आपके साथ में कैसा करने। और एक बात तो आपको बताऊं, जब इंडिया के ऊपर वो राज करते थे तो आपकी खुद की लैंड है, ठीक है, लैंड क्या है, लैंड है आपकी, आप मेहनत उस पर आप कर रहे हो पूरे 6 महीने और फिर उसके बाद में टैक्स आपको उन ब्रिटिशर्स को भरना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ता था राजा को, लेकिन वो हमारे देश में रहता था, हमारे वेलफेयर के लिए होता था, लेकिन वो ब्रिटिशर्स को टैक्स देना पड़ता था। और इन्होंने सबसे गंदे काम जितने हो सकते ना, चोरी इन्होंने कर ली, सारा का सारा हमारा जो कीमती सामान था वो हमारे इंडिया से लेके, जैसे कि फॉर एग्जांपल की आपको बताऊं, हमारे इंडिया के अंदर जो ताजमहल है, ठीक है, ताजमहल के अंदर पता है आपको बहुत ही अच्छे गोल्ड से प्लेटेड जो थे डॉक्यूमेंट, मतलब एक तरीके से ओरिजिनल गोल्ड के ऑर्नामेंट्स थे और ज्वेल्स थे, मतलब हीरे थे, बहुत ही कीमती हीरे थे, वो सब क्या करें इन्होंने चुरा करके ले गए अपने देश में ले गए। और फिर उसी के साथ में आपको पता है कि फेमस हमारा जो हीरा है वो है कोहिनूर, कोहिनूर भी ये चुरा करके ले गए। अब आप सोच सकते हो कि कितने नीचे गिर गए थे, मतलब हमारे देश से उठा करके इतना सारा सामान लेकर के चले गए उस टाइम के ऊपर, जब इन्होंने इंडिया से चोरी करी थी, चोर ही बोलेंगे हम इनको, इन्होंने चोरी करी थी 43 ट्रिलियन डॉलर।
अब आप सोच सकते हो कि इतने की ये चोरी करके चले गए थे इंडिया से। 43 ट्रिलियन डॉलर बहुत ही ज्यादा होता है उस टाइम पर, मतलब आज से करीब करीब 100 साल पहले तक ये इतना लूट लेकर ले जा चुके थे। और फिर उसके बाद में यहाँ पर फिर हमारे जैसे कि धीरे धीरे पता लगा कि ऐसे हम इंडिपेंडेंट कैसे होंगे। फिर उसके बाद में वही पूरी बात है कि हमारे अंदर जो देशभक्ति की भावना, नेशनलिज्म का मतलब होता है कि आपके अंदर जो देशभक्ति की भावना है वो कैसे आएगी, कहाँ से आएगी, वही बात करेगी इस चैप्टर में, तो वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भैया सबसे पहले हम बात करते हैं कि चेंजेस आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। अब जैसे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड होता है, फिर उसके बाद में इंडिया के अंदर क्या क्या चेंज होता है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक तो नई नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, मतलब कि जब कभी भी कोई भी एक वर्ल्ड वॉर एंड होता है ना, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के आप बोल सकते हो कि प्राइसेस ड्रॉप हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, और बहुत ही सारी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, बहुत कुछ होता रहता है उसमें, बहुत सारी नई नई सिचुएशन क्रिएट होती हैं। एंड फिर इसके बाद में यहाँ पर होता है कि टैक्स वर इंक्रीज एंड कस्टम ड्यूटीज वर रेस्ड एंड इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस। इसके साथ में क्या होता है कि इंडिया के अंदर जो टैक्स था उसको बढ़ा दिया जाता है, और कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं उनको इंक्रीज कर दिया जाता है, और उसी के साथ में इनकम टैक्स भी वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। इनकम टैक्स का मतलब ये होता है कि अगर आपकी सैलरी 100 रुपये है तो आपको इसके ऊपर 1% का इनकम टैक्स देना होगा, मतलब आपको 1 रुपये इनकम टैक्स देना होगा। चाहे अगर आप फिर 200 रुपये कमा रहे हो तो फिर आपको क्या करना होगा, 2 रुपये इसको टैक्स के रूप में देना होगा सरकार को, ठीक है। ये होता है इनकम टैक्स का मतलब। फिर उसके बाद में यहाँ से क्या हुआ कि एंड दिस leads to the extreme hardship for the common people, और इस वजह से क्या हुआ कि सब taxes वगैरह लग गए तो common जो आदमी था, मतलब middle class के जो लोग थे, उनको काफी ज्यादा दिक्कत हुई। हर बार जो दिक्कत होती है ना, वो होती है सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन मैन को, मतलब मिडिल क्लास आदमी को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि देखो जैसे कि जो पुअर पीपल होते हैं उनको पता है कि हमारा ऐसा ही चलने वाला है, और जो रिच पीपल होते हैं उनके कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और बीच में रह जाती है सिर्फ और सिर्फ एक क्लास जो क्या आती है मिडिल क्लास। हर एक चीज में इफेक्ट होती है, चाहे से आप महंगाई में देख लो महंगाई में वो इफेक्ट हो जाएंगे, गरीबी में देख लो गरीबी में वो इफेक्ट हो जाते। तो हर एक जगह पर जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ एक मिडिल क्लास। अब अगर बात करें कोविड की, तो कोविड के अंदर भी क्या हुआ था कि जो पुअर पीपल्स थे वो तो वैसे ही कर रहे थे, मतलब उनके पास में पहले भी खाने को नहीं था, अभी भी खाने को नहीं था, लेकिन मिडिल क्लास से क्या हुआ कि मिडिल क्लास के पास में पैसे नहीं बचे थे, मिडिल क्लास के पास में एक जॉब के ऊपर डिपेंडेंट थे, और जॉब सबकी जा चुकी थी। जब वो जॉब जा चुकी तो उनके पास में खाने को नहीं रहा, और कुछ लोग मिडिल क्लास से पुअर क्लास में चले गए। तो इसीलिए जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड क्लास होती है वो होती है मिडिल क्लास। और फिर इसके बाद में यहां पर नेक्स्ट जो आता है वो पॉइंट ये आता है कि फोर्स्ड रिक्रूटमेंट फॉर द आर्मीज। इसका मतलब ये था उस टाइम पर आर्मी जो है, आर्मी के अंदर लोगों को इस तरीके से लिया जाता था कि जैसे कि आपका गांव है, आपके गांव में आएंगे और बहुत ही अनाउंसमेंट होगा कि जितने भी 18 प्लस के लड़के हैं वो सब आ जाइए, उनको आर्मी में ज्वाइनिंग दी जाएगी। और उस टाइम के ऊपर फोर्स जो था, जो नहीं आता था उसको भी घसीट करके लेके जाते थे, बहुत ही ब्रूटल तरीके से वहां पर होता है ये सिचुएशन। और फिर इसके बाद में क्या होता है, 1918 से लेकर के 1919 और 1920 से 21 तक और एक अच्छा काम हो जाता है, जितना भी परेशान थे उसमें और परेशान करने के लिए क्या होता है कि क्रॉप फेलियर हो जाता है, फेमिनिज्म फैलने लग जाता है। मतलब ये कि वहाँ पर एक तरीके से फसलें थी वो सारी की सारी खराब हो गई, और एक तरीके से भूखमरी फैलने लग गई, जिस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर सिचुएशन को और भी खराब हो गया। और जिस वजह से क्या होता है कि 1921 के अंदर 12 मिलियन से 13 मिलियन तक जो थी वो डेथ हो जाती है, मतलब 1.2 करोड़ लोग मर जाते हैं 1920 में भूखमरी की वजह से, वर्ल्ड वॉर की वजह से। बहुत, मतलब ये बहुत बड़ी संख्या होती है, आप खुद सोच के देख सकते हो, 1 करोड़ लोग मर जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट यहां पर आते हुए आते कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह आखिरकार आया तो आया कहां से। अब देखो गांधी जी का यहां पर रोल आता है कि गांधी जी आते हैं, गांधी जी को ये सत्याग्रह का आइडिया आया तो क्यों आया। देखो महात्मा गांधी जी जो थे वो एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी थे, उनका मानना ये था कि अगर आपको किसी से जीतना है और आपको जरूरी नहीं है कि आप उसके अंदर उसके साथ में लड़ाई करोगे तो ही आप जीतोगे, नहीं, आप सच्चाई का साथ दो और नॉन वायलेंस के जरिए भी आप उससे जीत सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको सच्चाई का साथ देना है, चाहे से आप अपने क्लासेस में हो, कहीं पर भी हो, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का साथ दो, आप हमेशा ही जीतोगे, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि महात्मा गांधी जी इंडिया आए थे कब, जनवरी 1915 में, ठीक है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है ये पूरा 1915 से गांधी जी
आते हैं इंडिया। और फिर इसके बाद में आप पर एक तो वर्ड आपको याद होना चाहिए कि सत्याग्रह का मतलब क्या है, सत्याग्रह वर्ड का मतलब क्या है। सत्याग्रह का वर्ड का मतलब ये है कि सत्या प्लस ग्रह, सत्या का मतलब ये होता है ट्रुथ, मतलब सच, और फिर उसके बाद में टू होल्ड द फर्म, और ग्रह का मतलब होता है कि आपको उसको होल्ड करके रखना, मतलब सच के साथ में चलो, सिंपल सी बात ये समझना। फिर इसके बाद में इसके पीछे की फिलॉसफी क्या थी, क्या थी इसके पीछे गांधी जी की थिंकिंग, इसके पीछे ये था कि इफ द कोज इज ट्रू, मतलब कि अगर कोई कारण सच है एंड स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, और अगर आपके साथ में इनजस्टिस हो रहा है और उसके अगेंस्ट आप स्ट्रगल कर रहे हो, देन द फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइट अगेंस्ट द ऑपरेसर, मतलब कि उसके बाद में आपको कोई भी फिजिकल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है कि आप अपने सामने वाला जो आपके सामने खड़ा है आपका दुश्मन उससे लड़ने के लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का साथ देना है। एंड ऑपरेशर, यहाँ पर इसके अंदर ऑपरेशर का मतलब ये होता है कि जो कि आपको परेशान कर रहा है, या फिर आपके ये बोल सकते हैं कि आपका ओपोनेंट जो होता है उसको ऑपरेशर कहा जाता है। ऑपरेशर शुड बी प्रस्यूड टू सी द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ थ्रू द वायलेंस, मतलब ये था कि जो आपके सामने वाले, या तो आप उसको अपनी पावर दिखा करके मान यही सही है, मतलब ये बोल दो कि 2+2=5 होता है, ठीक है, अब भी ये इनजस्टिस हो रहा है, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, अब आप क्या करोगे कि आप 5-6 लोग मिलकर के आते हो, आप मेरे को मतलब एक तरीके से फोर्सफुली बोलते हो कि ये नहीं होता, यही होगा यही होगा, या फिर आप बोलते हो कि ये 4 की जगह पर 5 आप लोग बोल रहे हो कि ऐसा कर दो, तो ये जो होता है ऐसा जरूरी नहीं होता। गांधी जी का मानना था कि ऐसा जरूरी नहीं होता, अगर वो सच है 2+2=4 है तो चाहे से मैं हूँ या कोई भी हूँ, मैं उसको आराम से एक्सेप्ट कर सकता हूँ, उसके लिए फिजिकल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर गांधी जी जो होते हैं वो जाते हैं 1917 में चंपारण। अब देखो सत्याग्रह के 3 पॉइंट हैं, इनसे मैप बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, यहाँ से मैप बेस्ड क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। देखो एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाओ, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे मैप बेस्ड। जैसे कि सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वो होता है चंपारण बिहार, 1917 की बात है, जिसके अंदर कि क्या होता है कि इन सपोर्ट ऑफ द इंडिगो प्लांटर्स अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम, मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि जो इंडिगो वर्कर्स थे वहां पर क्या होता था कि जैसे कि इंडिगो एक प्लांट होता है, मतलब एक तरीके से एक डाई होती है, वो जब ग्रो करी जाती है तो उसमें क्या होता है कि जब वो एक बार किसी भी जमीन के ऊपर अगर कर दे तो उसके बाद में वो फसल करने लायक नहीं होती नेक्स्ट टाइम के ऊपर। तो क्या होता था कि वहां पर उनको फोर्सफुली ये करवाया जाता था, ब्रिटिशर्स का मान वो ये करते थे कि यहां से लेकर के डाई को, डाई वो बाहर बेचते थे, जिससे कि क्या होता था कि पूरा पूरा प्रॉफिट भी वही रखते थे, हमें तो वही सस्ते दामों में मिलता था, और वहां पर ये एक तरीके से इनजस्टिस था, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है वो आता है खेड़ा। अब खेड़ा जो है वो है गुजरात में, वो है 1917 की बात है ये, जब क्या होता है कि सपोर्टिंग वहां पर जाते हैं गांधी जी की, सपोर्टिंग द पीजेंट्स अफेक्टेड बाय द क्रॉप फेलियर एंड रेवेन्यू रिलैक्सेशन, जहां पर कि क्या होता है कि क्रॉप फेल हो जाती है, मतलब क्रॉप फेलियर मैंने आपको बताया था वहां पर गुजरात में हो जाता है, फिर उसके बाद में वो बोलते हैं कि हमारे को थोड़ा एक तरीके से आप रेवेन्यू रिलैक्सेशन दीजिए, इसलिए फिर वहां पर भी ये सत्याग्रह स्टार्ट होता है। और फिर इसके बाद में स्टार्ट होता है हमारे पास में 1918 में फिर से गुजरात में अहमदाबाद में, अहमदाबाद में क्या होता है ये किसके लिए होता है, ये होता है कि इन सपोर्ट ऑफ एन द कॉटन मिल वर्कर अगेंस्ट द कॉटन मिल ओनर्स, मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि ये जो था अहमदाबाद में वो ये था कि यहाँ पर कॉटन मिल के जो वर्कर थे उनके साथ में इनजस्टिस हो रहा था कि उनको ओवर टाइम करवाया जाता था, और ओवर टाइम करने के बाद भी पैसे नहीं देते थे, वो किसके द्वारा होता था, वो होता था कॉटन मिल ओनर्स के द्वारा। और एक सबसे बड़ी बात आप लोगों को बताऊं इंडियंस की क्या होती है कि अगर उनको किसी के खिलाफ भड़का देना तो वो खुद के भी नहीं रहते, ये बात है फैक्ट है कि अगर आपको आपके फ्रेंड के खिलाफ भड़का दिया जाएगा आप उससे नफरत करने लग जाओगे वो उस दूसरे इंसान के लिए, ठीक है, ये बहुत ही एक नेगेटिव पॉइंट होता है हमारा, ऐसा मेरे को लगता है कुछ लोगों में होता है कुछ लोगों में नहीं होता। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है रोलेट एक्ट। अब देखो रोलेट एक्ट जो है ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस 100% है। अब रोलेट एक्ट क्या था, रोलेट एक्ट ये था कि द एक्ट गेव द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को पावर मिल जाती थी इस एक्ट के तहत टू सरपेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड द पॉलिटिकल लीडर्स कैन बी अरेस्टेड एंड केप्ट इन द प्रिजन विदाउट द ट्रायल फॉर 2 years, मतलब ये कि इस एक्ट के तहत क्या था गवर्नमेंट के पास में इतनी पावर थी
थी कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को बंद कर सकती है, किसी भी पॉलिटिशियन को उठा करके जेल में डाल सकती है 2 साल के लिए बिना उसका रीजन बताए। तो यहां पर ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गई। अब जब ये दिक्कत हुई, गांधी जी को ये सुनकर के बड़ा गुस्सा आया, तो फिर उन्होंने क्या करा वो देखते हैं। अब जैसे ही लॉ पास होता है ना, तो गांधी जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और सच बात बताऊं ना, तो गांधी जी ने जो अंग्रेज थे उनको इतना दौड़ा दौड़ा करके मारा कि उनको भगा ही दिया पूरा, ठीक है। अब गांधी जी ने क्या करा कि गांधी जी ने बोला कि भैया ये देखो ये अनजस्टिस लॉ है। और फिर उन्होंने क्या करा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो देखो मैं क्या करता हूं, मैं बिना वॉयलेंस के भी तुम्हें ऐसा भगाऊंगा कि तुम वापिस आने की कभी सोचोगे भी नहीं। तो यहां पर क्या करा कि ही लॉन्च द हड़ताल, और जिसको ये भी कह सकते हो कि रॉलेट सत्याग्रह भी कह सकते हो। एंड डेट डिसाइडेड जो थी वो थी 6 अप्रैल 1919 में, ये डेट डिसाइड हो गई थी कि मैं इस टाइम करूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहां पर क्या हुआ कि नॉन वॉयलेंट रिलीज निकाली गई, स्ट्राइक्स हुई, प्रोटेस्ट हुए एंड स्टार्ट हो गए थे ये सब इंडिया के अंदर, जब ये रॉलेट एक्ट निकला था इसके अगेंस्ट में। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि टू कंट्रोल ऑल दिस ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि टुक वेरियस स्टेप्स, उन्होंने काफी सारे स्टेप्स लिए। उन्होंने बोला कि यार ऐसे मत भगाओ यार, हमारी भी मजबूरी है समझो, हम नहीं जाना चाहते। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने पहले स्टेप तो ये लिया कि यहां पर एक सबसे बड़ी गलती इनकी ये थी कि आप सोच सकते हो कि आप ये ब्रिटिशर्स क्या थे, हमारे इंडिया के ऊपर यार राज कर रहे थे, हमारे पैसों से ये जिंदा थे और हम पर ही फायर करते हैं। फिर इनके अंदर ही होता है कि वन डे मतलब वन टाइम दे फायर्ड वन पीसफुली प्रोसेशन, मतलब अगर आप कुछ कर भी नहीं रहे हो, आप एकदम से बिना नॉन वायलेंस के आराम से अपनी हड़ताल करो, फिर भी आकर के मार देते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, अमृतसर में हुआ था ये इंसिडेंट। फिर इसके बाद में उन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स को यार उन्होंने जब मार दिया तो हमारे लोगों के अंदर भी आग आई। अब उनके अंदर जब आग आती है, जैसे कि आप मान लो कि आपके लोगों को कोई मार रहा है तो आपको गुस्सा आएगा, ऑब्वियस बात है। तो इसी तरीके से हमारे लोगों को भी गुस्सा आया। तो उन्होंने क्या करा, फिर ब्रिटिशर्स को ये भगाया, इतना मारा, मतलब एक तरीके से वॉयलेंस हाथ में ले लिया। अब नॉन वॉयलेंस गया, अब अगर तुम हमें मारोगे तो हम भी तुम्हें बहुत ही पटक पटक के मारेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद में अगला जो इंसिडेंट होता है वो होता है जालियांवाला बाग इंसिडेंट। ये जो है ये एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा एक सेंसिटिव इंसिडेंट था और सबसे ज़्यादा ख़राब इंसिडेंट इसको माना जाता है। ये बात है 13 अप्रैल 1919 की, जब जालियांवाला बाग के अंदर जो अमृतसर में है, ये याद रखना कि जालियांवाला बाग कहाँ पर है, वो है अमृतसर में। वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए दो रीज़न की वजह से हुए थे, एक तो थी वो थी बैसाखी, बैसाखी बनाने के लिए हुए। सेकेंड जो था वो था कि भैया प्रोटेस्ट हो जाएगा, तो दो वजह से वहां पर लोग इकट्ठे हुए थे। और फिर इसके बाद में यहां पर क्या हुआ कि जनरल डायर आया, इसका नाम डायर नहीं, इसका नाम कर दो डाकू। क्या था इसका नाम, था जनरल डाकू, ठीक है, ये डाकू था। इसने क्या करा कि इसने कमांड ले ली अपने हाथ में, और इसने क्या करा, इतना गंदा आदमी था ये, इसने क्या करा कि ही क्लोज्ड ऑल द एग्जिट गेट एंड फायर्ड ऑन द क्राउड। और फिर इसने क्या करा कि सारे के सारे एग्जिट गेट थे उनको बंद कर दिया और इसने फायरिंग स्टार्ट कर दी बिना किसी रीजन के। इसने बोला कि अभी मैं दिखाता हूँ, और इसने फायर कर दिया, जिस वजह से क्या हुआ कि मैनी पीपल्स वर किल्ड, दिस एंगर्ड द क्राउडेड। अब जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ कि एकदम से, जैसे कि अगर आप किसी को मार दोगे तो इसमें सबसे दिक्कत ये थी कि ये जो क्राउड था इसके अंदर फीमेल्स भी थी और इसके अंदर बच्चे भी थे। जब कभी भी कहीं पर फीमेल और बच्चों को अगर हर्ट होता है तो फिर उस वजह से बहुत ही ज्यादा इनकरेजमेंट हो जाता है किसी भी एक वॉयलेंस की तरफ, तो वही यहां पर हुआ। और फिर उसके बाद में पीपल्स टेक ओवर द वॉयलेंस, उन्होंने वॉयलेंस ले लिया। जब लोगों को पता लगा कि ऐसा ऐसा हुआ है जालियांवाला बाग में, लोगों ने क्या करा कि जितने भी पुलिस स्टेशन थे उनको जला दिया, कोर्ट्स जला दी, स्कूल से जला दी, यूनिवर्सिटी जला दी, जितने भी उनके गवर्नमेंट ऑफिसेस थे सब कुछ वो जलाने लग गए उनके साथ में। एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि लोगों का दिमाग खराब हो गया, उनको गुस्सा आ गया था कि यार क्या कर क्या रही हो तुम है ये। और फिर उसके बाद में आपसे क्या हुआ कि क्लैशेस विद द पीपल्स एंड अटैक ऑन द प्रॉपर्टी। और फिर उसी के साथ में उन्होंने उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी उनके ऊपर अटैक कर दिया, जहां पर वो रहते थे वहां पर बम फोड़ दिए, बहुत कुछ करा था गुस्से में, ठीक है। ये करना ही चाहिए था, ये सबसे बेस्ट स्टेप था कि यार उन्होंने मारा क्यों, अब मारा तो फिर उनको भुगतना पड़ा, तो उनको भुगतना पड़ा। और फिर इसके बाद में क्या हुआ कि जब कभी भी आप अगर आप नॉन प्रोटेस्ट कर रहे हो तो वहां पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकती गवर्नमेंट, लेकिन जब आपने वॉयलेंस ले लिया ना तो यहां से गवर्नमेंट को क्या हुआ, गवर्नमेंट को फायदा हो गया। यही गवर्नमेंट चाहती थी, गवर्नमेंट ने इसीलिए करा था ये इंसिडेंट ताकि इंडियंस को गुस्सा आए और गुस्सा आने के बाद में वो ऐसे कुछ प्रॉपर्टी को डैमेज करे जिससे कि गवर्नमेंट जो हो जाए फ्री हैंड। अब फ्री हैंड का मतलब ये था कि अब गवर्नमेंट कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आपने उनकी
प्रॉपर्टी को हर्ट करा। अब जब प्रॉपर्टी को हर्ट करा तो इन्होंने क्या करा कि इट रिस्पॉन्डेड विद द ब्रूटियल रिसेप्शन ऑफ द प्रोटेस्टर। मतलब एक तरीके से आप भी बोल सकते हो कि जब ये सब हुआ ना इंसिडेंट, हमने उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह जला दी इंडियंस ने, तो उन्होंने बोला कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, जाते अगर कोई बाहर मिल जाता उसको भी पकड़ के जेल में डाल देते। ये कंडीशन हो गई थी उस टाइम के ऊपर। अब इसके बाद में क्या होता है भैया, ये सब तो हो गया हमारा कि ये वाला जो इंसिडेंट था, कौन सा वाला इंसिडेंट था, रॉलेट एक्ट के अंदर जालियांवाला बाग इंसिडेंट के तहत ये हुआ था। और इसके अंदर लोगों ने बहुत ही कुछ करा था और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको सबक सिखा दिया था और उनसे वो डर भी गए थे जब ये हुआ ना, तो उससे डर गए थे लोग। और फिर इसके बाद में यहाँ पर अगला जो मूवमेंट आता हुआ था भैया, खिलाफत मूवमेंट। अब देखो खिलाफत मूवमेंट जो है वो चलता है 1919 से लेकर के 1924 तक। अब इसमें क्या होता है कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होता है ना, तो यहाँ पर जो ऑटमैन होता है, ऑटमैन के एम्परर होते हैं, वो हार जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो जिस वजह से क्या होता है कि अफवाहें फैलने लग जाती। ये सब जो था, ये खिलाफत मूवमेंट जो था भैया, ये खिलाफत मूवमेंट अफवाहों की वजह से हुआ था। ये इसलिए हुआ था क्योंकि रूमर्स ऐसे होने लग गए कि दैट हरास पीस ट्रीटी वॉज गोइंग टू इम्पोज ऑन हिम। तो यहाँ पर क्या था कि जो एम्परर थे, जैसे कि ऑटमैन जो थे, उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं होगा, उनको डिसरेस्पेक्ट किया जाएगा। और जब किसी भी एक कम्युनिटी के जो हेड होते हैं उनको जब डिसरेस्पेक्ट किया जाता है, तो वहां पर लोगों को गुस्सा आना जायज है। और यहाँ पर जब कभी भी इनको एक तरीके से डिसरेस्पेक्ट किया गया, तो लोगों का मानना था कि इन्होंने मुस्लिम्स को डिसरेस्पेक्ट करा। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो खिलाफत जो थे, खिलाफत एक तरीके से बहुत ही बड़े इस्लामिक में हेड माने जाते हैं, क्योंकि ऑटमैन जो किंग थे वॉज कंसिडर्ड एज एन द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। इस्लामिक वर्ल्ड के क्या होते हैं, वो स्पिरिचुअल हेड माने जाते हैं। और इस वजह से क्या हुआ कि मास बिकम वेरी एंग्री ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस वजह से क्या हुआ, जितने भी मुस्लिम थे पूरे विश्व में उनको आया गुस्सा। जिस वजह से क्या हुआ कि इन्होंने स्टार्ट करा एक मूवमेंट जिसका कि नाम दिया प्रोटेस्ट बाय द खिलाफत मूवमेंट। इन्होंने प्रोटेस्ट करा और उसको नाम दिया खिलाफत मूवमेंट। और फिर इसके बाद में ये इंडिया में भी होना स्टार्ट हुआ। तो इंडिया के अंदर जो लीड कर रहे थे वो कर रहे थे यहाँ पर मोहम्मद अली और शौकत अली। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि इंडिया के अंदर कौन लीड कर रहा था। तो इसको जो लीड कर रहे थे वो कर रहे थे दो लोग, एक थे मोहम्मद अली और एक शौकत अली, जिन्होंने खिलाफत कमेटी को फॉर्म करना था मार्च 1919 में बॉम्बे में। ठीक है, ये क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। फिर इसके बाद में अगला स्टार्ट होता है भैया, वो आता है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। अब देखो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग मूवमेंट है, और इसका जो फिलॉसफी है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें ये था कि गांधी जी का ही रोल आता है इसमें। गांधी जी ने ही सबसे मेजर मूवमेंट्स थे वो उन्होंने लॉन्च कर देते। सबसे पहले यहाँ पर आता है गांधी जी। गांधी जी ने क्या करा, गांधी जी की एक बुक थी जो कि उन्होंने लिखी थी हिंद स्वराज 1909 में। तो ठीक है, अब इन्होंने ये बुक लिख दी, तो इसके तहत क्या हुआ, जब इन्होंने हिंद स्वराज बुक लिखी तो इसमें इन्होंने लिखा था कि ये जो ब्रिटिशर्स राज कर रहे हैं ना, ये सब हमारी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि हम इनको अपोज नहीं कर रहे। जिस दिन हम इनको अपोज करने लग जाएंगे उस दिन इनको ऐसा भागना पड़ेगा कि ये कुछ भी नहीं लेकर के जाएंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि हमने थोड़ा वॉयलेंस काम लिया, नॉन वॉयलेंस से ज़्यादा काम लिया, इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा चोरी करके लेके जा चुके थे। लेकिन बस अब जो हुआ था वो हुआ था। इनका मानना ये था, देखो अब इसके पीछे की फिलॉसफी ये थी कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया बिकॉज ऑफ द कॉरपोरेशन ऑफ इंडियंस, जो कि मैंने आपको पहले कहानी बताई थी, वो हमारी वजह से ही था एंड सर्वाइव्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉरपोरेशन ऑफ इंडियंस। और ये है तो भी इंडियन की वजह से ही है, और जो सर्वाइव कर रहे हैं ना अभी तक, ये भी इंडियंस की वजह से ही है। If Indians non-corporate the British rule, और वो उसके साथ में corporate नहीं करते British rule के साथ में, तो जो India के अंदर इनका British rule है will collapse within a year। एक साल के अंदर इन्होंने कहा था कि अगर तुम एक साल तक non-corporate कर दो ना, तो हम है ना पूरा का पूरा माहौल बदल सकते हैं। मतलब माहौल बदल दिया इन्होंने फिर बाद में। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है हमारे पास में, खिलाफत मूवमेंट फिर से आ गया, सॉरी एक फिर से रिपीट हो गया। अब इसके बाद में आता है कि भैया ये जो नॉन कॉरपोरेशन था कि ये कैसे एक मूवमेंट बन गया, कैसे ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक मूवमेंट के अंदर कैसे चला गया नॉन कॉरपोरेशन को। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टेजेस के अंदर हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था कि सीधा ही होने लग गया था, ये स्टेजेस के अंदर हुआ था। सबसे पहले तो यहाँ पर हुआ था कि सरेंडर ऑफ द टाइटल्स दैट अ गवर्नमेंट अवॉर्डेड, जितने भी गवर्नमेंट के अवॉर्डेड टाइटल्स थे उनको हटा दिया गया, नहीं चाहिए हमें तुम्हारे, तुम रखो रे, ऐसे भगा दिया था उनको। और फिर उसके बाद में बोला गया कि बायकॉट ऑफ द सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। तो यहां पर बायकॉट कर दिया था जितनी भी सिविल सर्विसेज थी, जितनी भी आर्मी थी, पुलिस सर्विसेज थी, सबको बायकॉट कर दिया था। और यहां पर बच्चों ने अपना बहुत ही बढ़ चढ़ करके रोल बताया, वो रोल ये बताया कि हम स्कूल नहीं जाएंगे,
हम स्कूल नहीं जा रहे, हमारे इंडिया के लिए हम करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट था, लेकिन बच्चों के तो यहाँ पर मजे भी हो गए थे कि चलो यार स्कूल तो नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव था। उसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है वो ये आता है कि देन इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट यूज रिप्रेशंस द फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपिंग वुड बी लॉन्च। और अगर मान लो कि ऐसा होता है, गवर्नमेंट नहीं मानती है, तो हम क्या करेंगे, हम पूरा पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था, ये फेमस क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन कॉरपोरेशन टाउन के अंदर कैसा था और एक तरीके से उसकी लिमिटेशंस क्या थी, एक तरीके से और लोगों ने उसमें कैसे पार्टिसिपेट करा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो टाउन के लोग थे उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट करा। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है कि स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, कि मिडिल क्लास ने इसमें बढ़ चढ़ के पार्ट लिया। और यहाँ पर स्टूडेंट लेफ्ट द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, स्टूडेंट्स ने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए थे। टीचर्स और हेडमास्टर जो थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था। लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस में जाना बंद कर दिया था, उन्होंने बोला नहीं जा रहे हम, तुम्हारा काम को चला बट ऐसे भगा दिया। और फिर उसके बाद में बोला गया कि काउंसिल इलेक्शंस बाइकआउट हो गए थे एंड फॉरेन जो क्लोथ्स थे उनको फायर के अंदर जला दिया। क्या करा जाता था कि जिसके पास में बाहर का कपड़ा होता था ना, उन्होंने क्या करा कि आग जला दी और उसके अंदर ला करके सब कपड़ा डाल लेते कि भैया बाइकआउट करो, इनके मुंह पर बेइज्जती ऐसे कौन करता है, हम इंडियंस करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आता है कि पीपल बिगिंस टू वियरिंग द इंडियन क्लोथ, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। और इस वजह से क्या हुआ कि जब उन्होंने फॉरेन नहीं पहन रहे कपड़े, तो कपड़े तो पहनने थे, अब जब कपड़े पहनने थे तो यहाँ पर एक नया इनोवेशन होता है, वो होता है इंडिया के अंदर हम खुद से कपड़े बनाने लग जाए। कपड़े इंडिया में पहले भी बनते थे, लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा ज़्यादा स्पीड से बनाने लग गए हम, क्योंकि हमें उनको नीचा दिखाना था कि तुम्हारे बिना भी हम कपड़े बना सकते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ कि हमारी जो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स थी और जो हैंडलूम्स थे वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर उनको बूम मिल गया था, ठीक है। और फिर इसके बाद में इसके कुछ लिमिटेशंस भी थी, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की कुछ लिमिटेशंस भी थी। सबसे पहली लिमिटेशन ये थी कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो स्लो था सिटीज के अंदर, काफी ज्यादा स्लो था सिटी में। और फिर यहां पर खादी क्लोथ्स वर एक्सपेंसिव एंड पुअर कैन नॉट अफोर्ड इट। और खादी के जो कपड़े थे वो काफी ज्यादा एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक्सपेंसिव थे, और जो पुअर पीपल्स थे वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। एंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एन द अल्टरनेटिव ऑफ अ इंडियन इंस्टीट्यूशन, जो कि स्कूल कॉलेज बस इंडियन इंस्टीट्यूट नहीं थे, वो ब्रिटिशर्स के ही बनाए हुए थे पूरे, जिस वजह से क्या हुआ कि स्टूडेंट एंड द टीचर्स ट्रिकलिंग बैक टू द गवर्नमेंट जॉब्स एंड लॉयर्स वेंट टू द कोर्ट्स। तो यहां पर क्या होता है कि जब इंडियन इंस्टीट्यूट ही नहीं है, तो एक टाउन में रहने के लिए आपको, एक अगर सिटी में रहना है, तो वहां पर आपको रेंट भी पे करना होता है, खाने का पीने का सब कुछ आपको पे करना होता है, और आपने जॉब वगैरह छोड़ दी लेकिन उसके पास में आपके कुछ भी नहीं है, आधा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाते, वही हुआ। तो फिर वापस से बच्चों को स्कूल जाना पड़ा और टीचर्स को फिर से इसको ज्वाइन करना पड़ा। के बाद में आते हैं यहाँ पर अवध। अवध की बात करी जाती है इसमें सबसे फर्स्ट टाइम के ऊपर, यहाँ पर जो नए नए कैरेक्टर्स आएंगे इसलिए याद रखना है इसको। सबसे पहले कैरेक्टर आते हैं यहाँ पर, वो आते हैं बाबा रामचंद्र। अब बाबा रामचंद्र जो थे वो लीडर थे, जो किसान थे उन सभी के लीडर थे। और इनकी जो फाइट थी वो थी तुल्कदार के अगेंस्ट में थी, और जो लैंडलॉर्ड्स थे इनके अगेंस्ट में थी, क्योंकि ये एक तरीके से हाई रेंट मांगते थे पीजेंट से, जो कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसके अगेंस्ट बाबा रामचंद्र की लड़ाई थी। और फिर इसके बाद में आप, ये होता है कि इन्होंने स्टार्ट करा था पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड द रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड एबोलिशन ऑफ बिगेंस एंड सोशल बायकॉट ऑफ द ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स। और इनका मानना यह था कि भैया इन सभी को उड़ा दो, बायकॉट कर दो, इन सभी जो लैंडलॉर्ड्स हैं जो फालतू के टैक्स वगैरह लेते हैं, इनको भगा दो यहां से। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट आता है वो आता है उधो किसान सभा। अब जो उधो किसान सभा थी ये सेटअप करी गई थी जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र के द्वारा, ये सेटअप करी गई थी। और यहाँ पर जो आता है पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रेबल की, क्या पार्टिसिपेशन रहा था ट्रेबल्स के, तो सबसे पहले तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन ट्रेबल्स लोगों ने किया ही क्यों, तो देखो ट्रेबल्स जो होते हैं वो जंगलों में रहते हैं। अब अगर जंगलों के अंदर उनको जाने ही नहीं दिया जाएगा, जंगलों के अंदर उनको उनका जो पूरा पूरा लिविंग है वो उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, वो जाने नहीं दे रहे, तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम होगी। तो वही हुआ कि जो गुदेम्स हिल्स थी जो कि आंध्र प्रदेश में, वहां पर मिलिट्री जो गुवेरा था, गुवेरा मूवमेंट स्प्रेड हुआ था 1920s के अंदर, जो कि वायलेंस में कन्वर्ट हो गया था। और यहां पर ये आ गया था, ये इसलिए स्टार्ट हुआ था क्योंकि स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट पॉलिसीज थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट इनकरेज्ड द हिल्स पीपल्स। और यहां पर इसी वजह से क्या हुआ कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के जो रूल थे, इस वजह से काफी ज्यादा ये जो पहाड़ी लोग थे वो इफेक्ट हो गए एंड दिस अफेक्टेड देयर लिवलीहुड्स। इसी जैसे उनका जो रहन सहन था वो काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ था। अब इसके बाद में एक नए कैरेक्टर आते हैं, फिर एक नए आप लीजेंड बोल सकते हो, जिन्होंने कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी थी, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इनका भी एक बहुत बड़ा रोल था, वो है यहाँ पर अल्लूरी सीतारमन राजू।
अब ये जो थे ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक फेमस पर्सनैलिटी थे, और इनका क्या था कि इन्हों को कहा जाता था कि इनके पास में एक सुपर पावर है, एक स्पेशल पावर है जिस वजह से क्या कर सकते कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर सकते हैं, और जिससे कि अगर किसी आदमी को लगे तो उसको हिल भी कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से अगर कोई बीमार है तो उसको ठीक भी कर सकते हैं। और ये अगर इनके ऊपर बुलेट भी चलाई जाती है तो उनको कहा जा सकता है कि वो उसको भी एक तरीके से सस्टेन कर सकते हैं। और यहाँ पर रेबल्स जो थे उस टाइम के ऊपर उनका कहना ये भी था कि ये एक गॉड के अवतार थे, मतलब भगवान जी के जो एक तरीके से आप रूप बोल सकते हो वो कहा जाता था इनको। और इन्होंने क्या करा कि इन्होंने गांधी जी को सपोर्ट करा था, और इनकी एक खास बात ये थी कि इन्होंने ये इंस्पायर्ड बाय द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट परस्यूड पीपल्स टू वियर द खादी, और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को लेकर के इन्होंने लोगों में फैलाया कि भैया तुम्हें खादी पहनना चाहिए, खादी हमारा इंडिया का है, इंडिया का करेंगे तो इंडिया को हेल्प मिलेगी, एंड गिव अप द ड्रिंकिंग, और जो ये पीना छीना है इसको छोड़ दो। और इसी के साथ में इनका जो एक और जो मानना ये था कि यार नॉन वायलेंस कुछ नहीं होता, हमारे तो वायलेंस में चलो जल्दी भाग जाएंगे, इनको बहुत ही बुरा भगाएंगे हम लोग, तो इनका मानना था कि यार वायलेंस ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था उसको बंद क्यों करना पड़ा, हमारे से नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इतना अच्छा चल रहा था टाउन्स में भी इन सब में, उसको बंद क्यों करना पड़ा। सबसे पहले ये इसलिए होता है क्योंकि एक जो गांव है चौरा चोरी, जो कि एक तरीके से आप बोल सकते हो यूपी के अंदर, और इसका गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गाँव था, 1922 की बात है, जब एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था बाजार में, जो कि एक वॉयलेंट क्लैश के बीच में बदल गया, जो कि पुलिस वाले जो थे उनके साथ में वॉयलेंटली बिहेव करने लगे, जिस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। जब पुलिस स्टेशन को जला दिया गया और उसी के साथ में 22 पुलिस वाले भी जल गए थे, तो यहाँ पर ये वाला डेटा एक बार अगर आप लिख दोगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, 22 पुलिसमैन जो थे वो जल गए थे, जिस वजह से क्या हुआ कि गांधी जी ने बोला भैया ये अच्छी बात नहीं है तुमने वॉयलेंस लिया, तो इसी वजह से क्या करा कि इन्होंने इस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। और उसके साथ में आप ये भी बोल सकते हो कि गांधी जी का मानना ये भी था कि यार अभी ये पूरे पूरे अच्छे तरीके से रेडी नहीं है। और फिर इसके बाद में अगला जो आता है कि हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की तरफ जाते हैं। अब आफ्टर कॉलिंग नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, अब जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट बंद कर दे तो अब हम खाली तो बैठेंगे नहीं, तो हम एक नए मूवमेंट की तैयारी कर रहे थे जो कि था हमारे पास में सिविल डिसओबीडियंस। अब यहां पर क्या था कि लीडर विद द कांग्रेस वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू प्रोविजनल काउंसिल, और यहां पर क्या था कि जो लीडर्स थे कांग्रेस के उनका यह था कि यार वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे इलेक्शन के अंदर, और जैसे कि मोतीलाल नेहरू हो गए और उसी के साथ में सीआर दास हो गए, ये सब उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे। और फिर उसके बाद में इन्होंने मतलब ये सिविल डिसोबीडियंस था तो इन्होंने क्या करा कि दे फेल्ट दैट दे कैन ओपोज द ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल, और इनका मानना ये था कि अगर हम उनकी एक तरीके से काउंसिल में रहेंगे तो हम उनकी जो डिसीजन है उनको ओपोज कर सकते कि हाँ भाई ये गलत है, इस तरीके से करो, इस तरीके से नहीं, ये सब हम कर सकते थे, ये सब उनका मानना था। और इसी वजह से यहाँ पर फॉर्मेशन होता है वो होता है स्वराज पार्टी का। और अब इसके बाद में जो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स थी उसके पीछे के दो फैक्टर आते हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है, जो कि यहाँ पर एग्रीकल्चरल क्राइसिस होते हैं, और फिर सेकंड फैक्टर आता है भैया साइमन कमीशन। अब देखो साइमन कमीशन में होता क्या है, यह है 1928 की बात, और आपको बताऊँ तो इंडियंस जो थे, इंडियंस को अगर किसी को एक तरीके से बेइज्जती करनी होती है बहुत ही अच्छी बेइज्जती करते, तो होता क्या है कि यहाँ पर एक तरीके से जो सर जॉन साइमन था वो आता है इंडिया में, और फिर उसके बाद वो सोचता है कि मैं ये करूंगा, उसके कुछ भी एक प्लान्स होते हैं वो लेकर के आता है, लेकिन जैसे ही वो अपने ऑफिस में घुसता है या फिर कोई भी काउंसिल में घुसता है तो उसको एक ही नारा सुनता है, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, साइमन गो बैक, वहां से आया था ये साइमन गो बैक। तो ऐसे करके मतलब जहां पर भी कोई जा रहा है उसको ये बोल रहा है, तो यार वो कितना एक तरीके से उसकी डिसरेस्पेक्ट हो जाएगी, तो वही यहां पर हुआ। अब इसके बाद में क्या था वो हम समझते हैं, यहां पर ये था कि हेडेड बाय द सर जॉन साइमन एंड गिवन द टास्क टू द क्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद में ये जो सर जॉन साइमन था इसको कहा गया था यार तुम जाकर के इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है उसको संभालोगे, और फिर इट वॉज ग्रीटेड बाय द ऑल द पार्टीज, जो कि एक तरीके से रेस्पेक्टफुली कहा जा रहा है कि उनको ग्रीट करा गया था विद द स्लोगन गो बैक साइमन, उन्होंने कहा कि चल 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 बक 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 भगा दिया उसको, वैसे ये था उनका कहने का मतलब। और लीडर्स सच एज जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकम द मोर एक्सट्रैक्टिव एंड ऑपोज द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम विद इन द फॉर्म ऑफ इन द वर्क ऑफ ब्रिटिशर्स,
और यहाँ पर जो एक नया रोल आता है भैया, जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने भले ही उनकी ज्वाइन करी थी लेकिन वो उसको अपोज कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि यार तुम ये सब गलत कर रहे हो, देखो अगर ज़्यादा करोगे ना तो फिर हम तुम्हें उठा करके फेंक देंगे, वो मन ही मन में बोलते थे। अब जैसे कि हम तो कुछ भी बोल पा रहे हैं लेकिन वो मन ही मन में बोलते थे जवाहरलाल नेहरू, और ये सब जब देखते थे उनको बोलते भागो रे तुम क्या कर रहे हो ये सब। और फिर इसके बाद यहाँ पर आता है कि विद इन द वर्क ऑफ द मतलब एक तरीके से ब्रिटिश डोमिनियन एंड दियर इन्फ्लुएंस, और उनके अंदर रह करके भी उनको अपोज कर रहे थे। और फिर इसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट सेशन आता है वो आता है दिसंबर 1929 के अंदर, जो कि है लाहौर सेशन। अब लाहौर सेशन के अंदर क्या होता है भैया, जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने कहा कि यार अब हम पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें पूरा पूरा इंडिपेंडेंस, अब छोटे मोटे नहीं, अब हमें पूरे पूरे आज़ाद होना है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है एंड इट वाज डिक्लेयर्ड दैट द 26th of January जो रहेगी भैया हमारा क्या रहेगा भैया, अरे वो रहेगा हमारा इंडिपेंडेंस, एंड उसको हम क्या करेंगे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। पर ये हो नहीं पाया था, हमने मान तो लिया था कि हम 26th of January को इंडिपेंडेंस बनाएंगे लेकिन वो हो नहीं पाया था। अब सोच लो कि दिसंबर में कोई आदमी कह दे कि भैया हम तो इंडिपेंडेंस बनाएंगे 26 जनवरी को, तो वही हुआ। और फिर इसके बाद में सो गांधी जी हैज़ अनदर आइडिया टू गो विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फिर गांधी जी के पास में और आइडिया था। गांधी जी एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट, बहुत ही तगड़े आदमी थे, और उन्होंने बोला कि यार चलो मेरे पास में एक और आइडिया, वो आइडिया ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर के। फिर इनकी स्टार्ट होती है भैया फेमस सॉल्ट मार्च और डांडी मार्च। अब देखो ये स्टार्ट क्यों हुई थी, अब इसके पीछे की वजह क्या थी, भैया नमक बनाने के लिए हमें क्या मतलब क्यों जरूरत पड़ी थी। देखो जो सॉल्ट था, सॉल्ट चाहे से आप गरीब हो, पुअर के घर में भी देखोगे तो उनके भी खाने में नमक डलता है, ठीक है। और जो अल्ट्रा रिच हैं आप जाकर के देखो हमारे अंबानी जी को, उनके खाने में भी नमक डलता है। नमक मतलब हर कोई कंज्यूम करता है, एसेंशियल फूड आइटम है। लेकिन क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने क्या कर रखा था, सबसे पहले तो इसके ऊपर टैक्स लगा दिया, ठीक है यार इन्होंने टैक्स लगा दिया। और फिर उसके बाद में सेकंड ये था कि उनके अलावा कोई इसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, ये कोई बात होती है भैया पानी को ही तो उबालने वहां से नमक बन जाएगा, लेकिन नहीं तुम नहीं कर सकते। गांधी जी का हुआ दिमाग खराब, बोले देख ये फालतू की बकवास करिए मत, मैं करूँगा अब। और तो इन्होंने क्या करा कि जो ये मैंने बात बताई कि सॉल्ट इज कंज्यूम्ड बाय द बोथ रिच एंड द पुअर पीपल्स एंड एसेंशियल फूड आइटम है, इस वजह से स्टार्ट हुआ। स्टार्ट कब हुआ, ये स्टार्ट हुआ था 12th of March 1930 में और एंड हो गया था 6th of April 1930 को, ख़त्म हो गया था। और अब स्टार्ट कैसे हुआ था, तो सबसे पहले जो एक था विक्ट्री इरविन को एक लेटर लिखा गया था जिसके अंदर के 11 डिमांड लिखी गई थी और कहा गया था कि 11 मार्च तक पूरी कर दो, और फिर उसके बाद में इसने पूरी नहीं करी। जब ही तो ये हुआ, अगर ये पूरी कर देता मोटी बुद्धि का इंसान, अनपढ़ गंवार जो था ये, अगर ये 11 डिमांड पूरी कर देते सब हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं माना। गांधी जी को भी बताते थे पूरे पूरे तैयार थे। इन्होंने क्या करा 78 वॉलंटियर्स लिए और 240 मील का डिस्टेंस कवर करा 24 दिनों के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर एक बात बताना आपको, गांधी जी की बहुत ही अच्छी एक ऐसी आप बोल सकते हो कि उनके पास में ऐसी स्पीकिंग पावर थी कि वो है ना उनको सुनने के लिए हजार हजार लोग आते थे। आप सोच सकते हो कि यहाँ पर तो हम मीडिया के ऊपर, अगर सोशल मीडिया के ऊपर डाल दें कि आप लोगों को आने, हम आसानी से बहुत सारे लोगों को बुला सकते हैं, लेकिन उस टाइम के ऊपर हजार लोगों को बुलाना और उनको बैठा करके सुनना, मतलब किसी इंसान को सुनना बहुत ही बड़ी बात थी। हजार लोग बैठ करके किसी को सुन रहे हैं उस टाइम पर, तो इसीलिए इनके पास में बहुत ही तगड़ी पब्लिक स्पीकिंग स्किल थी। और इसके बाद में इन्होंने क्या करा भैया, सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया और बना लिया नमक और बोला ले, और फिर उसको क्या बोलते हैं अंगूठा दिखा दिया, ले कर लिया हमने तो। और फिर इसके बाद में ये कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी साबरमती से लेकर के डांडी तक। और अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि इमेज ऑफ भारत माता वॉज क्रिएटेड बाय द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यहाँ पर याद रखना जो भारत माता की इमेज थी वो क्रिएट करी थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, एंड जो भारत माता की इमेज पेंट करी थी, क्रिएट किसने करी थी और पेंट किसने करी थी अलग अलग है, वो पेंट करी थी यहाँ पर अबिंद्रनाथ टैगोर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपने अभी तक देखा है तो कमेंट सेक्शन में लिखेगा 543 ताकि मेरे को पता लग जाए कि आपने लास्ट तक देखा है। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।